डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आज जो स्टैटिस्टिक्स से प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर थी, मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क ऑफ टू 50 कस्टमर्स। एक दूध सेंटर ने दूध बेचा है 50 कस्टमर को। दो टेबल बिलो गिवन द नंबर ऑफ कस्टमर एंड द मिल्क दे परचेज, फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हमने सोल्व करना है। और इसमें मैंने पहले सबसे पहले जो देखिए मिल्क सोल्ड मैंने क्लास में लिख दिया मिल्क सोल्ड, और फ्रीक्वेंसी के इसमें नंबर ऑफ कस्टमर इसमें राइट कर दिया। अब हमें क्लास मार्क निकालनी है। तो जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस एक्सरसाइज का, उसी तरह इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्लास मार्क निकाल लेते। ये तो समझ में आ गया आपके, ये जो मैंने राइट किया 1, 2, 2, 2, 3, ये क्लास मार्क में हम लिखते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो नीचे टेबल में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो दिए गए ये मैंने यहाँ पर राइट किया। ओके, उनकी कैलकुलेशन कर लिया 50। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इनकी एडिशन कर दिया। 2 प्लस 1 कितना था 3, 3 की हाफ करो 1.5। 3 प्लस 2 5, उसको 2.5। देखिए 1 का डिफरेंस आ रहा है 3.5, थोड़ा मैं अच्छे से राइट कर लेता हूं। 3.5, 4.5 और 5.5, आप करके देख लीजिए, यही आंसर मिलेगा आपको। और जब हम इसमें निकालते हैं, आप देखिए यहाँ पर ये साइड देखिए, आप इसे देखिए, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है हम क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो मैं थोड़ा साइड में करता हूँ, 17 इंटू 1.5, तो इसका आएगा 25.5। आप बाजू में करके देखिए साइड में, इसका आएगा 13 इंटू 2.5, तो इसका आएगा 32.5। इसका आएगा नीचे 10 इंटू 35, तो इसका आएगा 35.0। इसका आएगा 4.5 इंटू 7, 31.5। और इसका आएगा 16.5। इन सब की एडिशन अगर हम करते हैं तो सिंपली 10 ये 10 20 20 कितना आएगा। तो सिंपली इसकी अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमें, मैं सर थोड़ा साइड में कर लेता हूं इसका कैलकुलेशन। तो इसका कैलकुलेशन आ रहा है 1 4 1 4 1 1 4 1, मैं अच्छे से राइट कर लेता हूं एक बार फिर भी 1 4 1। ठीक है, हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए, तो यहां पर हमें हियर देखिए हमें जो मिला है, एफ आई लीजिए या एक्स आई लीजिए कोई फर्क नहीं करता, 1 4 1 मिल चुका है। और फ्रीक्वेंसी हमें 50 मिल चुकी है। और चलिए मीन निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से जो मीन निकालते हैं हम किस तरह निकालते हैं आप भी जानते हो, फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसी तरह सॉल्व किया। तो एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, चलिए राइट कीजिए, एफ आई एक्स आई कितना है हमारा 1 4 1 अपॉन 50। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैं थोड़ा साइड में सॉल्व करता हूं मीन के लिए, मैं थोड़ा साइड में मीन के लिए, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में आ चुका है 2.82। देखिए ये मीन हमारा निकल चुका है, यानी इतना इसका जो मीन है इतना 2.82 लीटर, सॉरी इसका यूनिट राइट कर दीजिए लीटर, इतना बिक रहा है। तो इतना मीन हमने निकल चुका है। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करने ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे आपको उसकी हिंट मिल जाएगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर चैनल।